आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको जानकारी है कि एक टीम में वेरियस तरह के खिलाड़ी मौजूद रहता है, जैसे कि बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर। अब ये जो ऑलराउंडर होता है, इनमें भी दो तरह के ऑलराउंडर पाए जाते हैं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, एक बैटिंग ऑलराउंडर। तो ये दोनों में अंतर क्या है? क्या आप जानते हैं बैटिंग ऑलराउंडर कभी भी बॉलिंग ऑलराउंडर बन सकते हैं या फिर वाइस वर्सा भी हो सकते हैं? सब कुछ बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, क्रिकेट में अभी जो T20 गेम आया है या फिर T20 फॉर्मेट आया है, T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा जो चहेते खिलाड़ी होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर बैटिंग भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी ऑलराउंडर होते हैं जो कि कीपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से निभा लेते हैं अपनी टीम के लिए, तो अलग से कोई विकेट कीपर की ज़रूरत नहीं होता है। तो कई विकेट कीपर को हम लोगों ने देखा है कि बॉलिंग करते हुए, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, तो कि वो ऑलराउंडर बन गया है? जी नहीं, वो तो विकेट कीपर बैट्समैन है। लेकिन आज जो बात हो रहा है, ये हो रहा है ऑलराउंडर की। हमारे भारतीय टीम में अभी जो ऑलराउंडर है, उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। तो वो कौन से ऑलराउंडर है? वो है बैटिंग ऑलराउंडर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैटिंग ऑलराउंडर होता क्या है। असल में ये जो बैटिंग ऑलराउंडर होता है, ये नॉर्मली ऑलराउंडर ही होता है, यानी बैटिंग या बॉलिंग दोनों ही ठीक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर का मेन काम होता है बैटिंग करना, यानी वो बहुत अच्छी तरीके से बैट कर सके। और उसका जो बॉलिंग होता है, यानी वो जो बॉलिंग करते हैं, उसका बॉलिंग टीम के लिए सेकेंडरी होगा, यानी वो एक स्टॉक बॉलर नहीं होंगे, वो होंगे एक बैकअप बॉलर, या फिर कभी कभार उस खिलाड़ी के लिए सहायक पिच होगा तो उनसे रेगुलरली बॉलिंग भी करवा जा सकता है। तो बैटिंग ऑलराउंडर मेनली होता है बैटिंग में माहिर और बॉलिंग उनका सेकेंडरी पार्ट है। वैसे ही बॉलिंग ऑलराउंडर जो होते हैं, वो मुख्य तरीके से बॉलिंग ही कर सकते हैं और बैटिंग उसके लिए सेकेंडरी पार्ट होता है, जैसे कि हमारे भारतीय टीम में है भुवनेश्वर कुमार। तो अभी बॉलिंग ऑलराउंडर कभी भी बैटिंग ऑलराउंडर बन सकते हैं या फिर बैटिंग ऑलराउंडर कभी भी बॉलिंग ऑलराउंडर भी बन सकते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें किस जगह पर रखना है। मान लीजिए कोई बॉलिंग ऑलराउंडर, उसका बैटिंग स्किल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उनका रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है, उनका एवरेज स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा जा रहा है, तो उसे टैग दिया जाता है बैटिंग ऑलराउंडर। हालांकि वो ऑलराउंडर श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में उनका रोल एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर बैटिंग ऑलराउंडर ही डिसाइड किया जाता है। अगर बैटिंग ऑलराउंडर होते हैं तो उन्हें 3 डाउन या 4 डाउन पे खिलाया जाएगा, अगर बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं तो टेल एंडर से पहले उन्हें मैदान पे उतारा जाएगा। तो अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन अभी तक अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर रहा है, जैसे कि सनत जयसूर्या, रवि शास्त्री जी, स्टीव वॉ, हार्दिक पांड्या, क्रिस गेल या फिर एंड्रू साइमंड्स। इसके साथ साथ अभी बात करते हैं कुछ बॉलिंग ऑलराउंडर्स के बारे में, जो कि थे कपिल देव जी, यान बोथम, वासिम अकरम, शॉन पोलक, एंड्रू फिनटॉप या फिर भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों, क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।